सीपीयू शेड्यूलिंग। सीपीयू शेड्यूलिंग का मतलब, शेड्यूलिंग क्या होता है, शेड्यूलिंग जो होती है वो एक पॉलिसी होता है, पॉलिसी का सेट होता है या मैकेनिज्म का सेट होता है या टेक्नोलॉजी होती है जो ऑपरेटिंग सिस्टम्स में जॉब्स जो होती हैं या प्रोसेसेस को एग्जीक्यूट कराने का एक जो शेड्यूल तैयार करने की एक टेक्निक्स होती है उसको जो है शेड्यूलिंग बोलते हैं। सीपीयू शेड्यूलिंग, सीपीयू में जो प्रोसेस को जो है एग्जीक्यूट किया जाता है, इसमें चार टाइप्स की शेड्यूलिंग होती है। एक होती है FCFS। FCFS का मतलब होता है कि फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व। SJF का मतलब होता है शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट शेड्यूलिंग। RR का मतलब होता है राउंड रॉबिन। तो ये चार टाइप से होती है, एक होती है फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व, SJF शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट, RR राउंड रॉबिन और प्रायोरिटी शेड्यूलिंग। FCFS फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व शेड्यूलिंग, इसका मतलब ये कि जो जॉब या जो प्रोसेस पहले आएगा वो पहले एग्जीक्यूट होगा। SJF शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट शेड्यूलिंग, इसका मतलब ये होता है कि जिस जॉब को जिस प्रोसेस को एग्जीक्यूट होने में सबसे कम टाइम लगेगा वो जॉब सबसे पहले एग्जीक्यूट होगी। राउंड रॉबिन जो होता है, राउंड रॉबिन में प्रोसेसेस का प्रोसेसिंग में जाने का शेड्यूल वही होता है जो FCFS में होता है, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व शेड्यूलिंग में होता है। बस इसमें क्या होता है कि FCFS में कोई भी जॉब अगर प्रोसेसिंग में गई है तो वो एग्जीक्यूट होके ही बाहर आती है। राउंड रॉबिन में क्या है, शेड्यूल तो वही रहेगा FCFS का, पर इसमें एक क्वांटम टाइम दिया रहता है राउंड रॉबिन में, प्रोसेस जो पहले आएगा वो प्रोसेसिंग में पहले जाएगा, मगर वो प्रोसेस जो है प्रोसेसिंग में सिर्फ क्वांटम टाइम जो दिया रहेगा उतनी देर ही प्रोसेसिंग में रह सकता है, चाहे प्रोसेस एग्जीक्यूट हो या ना हो। नहीं होता है तो उसको दोबारा फिर टाइम मिलेगा और फिर उसको उतना ही टाइम मिलेगा जितना क्वांटम टाइम दिया रहेगा, उतने में उसको जो एग्जीक्यूट होना होता है। अब वो नहीं हो पाता तो उसको दोबारा फिर एक बार चांस मिलता है, नहीं होता है फिर तिबारा मिलता है, मगर प्रोसेस में जाने का जो पहले आएगा वो प्रोसेसिंग में जाएगा, प्रोसेसिंग में क्वांटम टाइम के इतना ही वो प्रोसेसिंग में रह सकता है। प्रायोरिटी शेड्यूलिंग में जो होता है वो प्रायोरिटी बेसिस पे जो जॉब्स होंगी वो प्रायोरिटी बेसिस पे प्रोसेसिंग में जाएंगी। FCFS में मान लीजिए, एक बार मैंने बताया ना, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व, जो पहले आएगा वो पहले प्रोसेसिंग में जाएगा। ये प्रोसेसेस दिए हुए हैं P1, P2, P3। बस टाइम दिया है, बस टाइम वो टाइम होता है कि किसी प्रोसेस को एग्जीक्यूट होने में जो टाइम लगेगा वो उसको जो है बस टाइम बोलते हैं। ठीक है, P1 को एग्जीक्यूट होने के लिए 4 सेकंड चाहिए, P2 को एग्जीक्यूट 2 सेकंड चाहिए, P3 को एग्जीक्यूट होने के लिए 3 सेकंड चाहिए। अब इसका एक गैंट चार्ट बनाते हैं। ये आपका गैंट चार्ट बन रहा है, इसको गैंट चार्ट बोलते हैं। P1 4 सेकंड, 4 सेकंड के बाद में जब अब ये पहला प्रोसेस एग्जीक्यूट हो जाएगा तब दूसरा प्रोसेस जाएगा P2, इसको चाहिए 2 सेकंड, तो 4 सेकंड पे गया था, 2 सेकंड जाएगा तो 6 सेकंड, उसके बाद में 6 सेकंड के बाद में ये P2 एग्जीक्यूट हो जाएगा, तब ये तीसरा प्रोसेस जाएगा P3, इसको 3 सेकंड चाहिए तो ये 9 सेकंड पे एग्जीक्यूट होगा। ठीक, अब टर्न अराउंड टाइम, वेटिंग टाइम, टर्न अराउंड टाइम P1, P2, P3। टर्न अराउंड टाइम वो टाइम होता है जहां पे कोई भी प्रोसेस एग्जीक्यूट हुआ होता है। तो P1 कहां पे एग्जीक्यूट हुआ है, 4 सेकंड पे, P2 6 पे, P3 9 पे। अब एवरेज अगर टर्न अराउंड टाइम निकालेंगे
चार सेकेंड, छः सेकेंड प्लस नौ सेकेंड, तीन प्रोसेस हैं तो डिवाइड बाई थ्री। अब वेटिंग टाइम निकालेंगे तो वेटिंग टाइम P1 का वेटिंग टाइम क्या है, P1 चूंकि सबसे पहले आया था तो सबसे पहले गया था तो उसको वेट ही नहीं करना पड़ा क्योंकि ये 0 सेकंड से पहले ही स्टार्ट हुआ था, तो इसको कुछ भी वेट नहीं करना पड़ा। P2 जब तक P1 प्रोसेसिंग में रहा था तब तक P2 को वेट करना पड़ा था, तो P1 कितनी देर रहा था, 4 सेकंड तक, तो P2 का वेटिंग टाइम आपका होगा 4 सेकंड। P3 जब तक P1 और P2 दोनों रहे हैं, जब P2 बाहर निकला तब P3 गया है, यानी जब तक P2 रहा है प्रोसेसिंग में तब तक P3 को वेट करना पड़ा, यानी 6 सेकंड। एवरेज वेटिंग टाइम 0 + 4 + 6 / 3, ये 3.33 कुछ आएगा। एस जे एफ शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट शेड्यूलिंग, इसमें मैंने बताया था कि जो है जिस जॉब को एक्सक्यूट होने में सबसे कम टाइम लगेगा वो जॉब सबसे पहले प्रोसेसिंग में जाएगी। अब ये 3 जॉब्स हैं तो इसमें से सबसे कम टाइम किसको लगेगा एक्सक्यूट होने में, P2 को, तो सबसे पहले प्रोसेसिंग में कौन जाएगी, P2। उसके बाद कौन जाएगा, 3 P3। उसके बाद P1। अब इसका टर्न अराउंड टाइम नौ, P2 का 2, P3 का 5। एवरेज निकालने के लिए तीनों को काउंट करिए, डिवाइड बाय 3। वेटिंग टाइम 1 का वेटिंग टाइम 5, P2 का 0, P3 का 2। एवरेज वेटिंग टाइम निकालने के लिए तीनों को काउंट करिए, डिवाइड बाई 3।